साथियों, केंद्र सरकार यहां की आवश्यकताओं, यहां की परिस्थितियों के हिसाब से ही विकास करने में जुटी है। सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विकास हो। इसी भावना के तहत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अंडमान निकोबार समेत देश के समुद्री तटीय इलाकों में रहने वाले कोपरा और नरियल की खेती से जुड़े किसानों के लिए बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कोपरा में जो कोपरा के एमएसपी में 2000 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, पर क्विंटल 2000 रुपीज, जो मिलिंग कोपरा होता है उसका समर्थन मूल्य अब 7500 रुपये से बढ़कर 9500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। तो वहीं बॉल कोपरा का समर्थन मूल्य 7750 रुपये से बढ़ाकर 9920 रुपये किया गया है। इस बढ़ोतरी से कोपरा की खेती से जुड़े अनेक किसानों को लाभ होगा। साथियों, केंद्र सरकार हमारे मछुआरों को सशक्त करने में जुटी है। हाल में ही देश में मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए 7000 करोड़ रुपये के एक विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मछुआरों को उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे समुद्री किनारे ब्लू रिवॉल्यूशन के सेंटर बनने में सक्षम है। इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। मछली से जुड़ा व्यवसाय हो, सीवीड की खेती हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक बोट्स के लिए भी सरकार मछुआरों को आर्थिक सहायता भी दे रही है। इसी विजन के साथ यहां फिशरीज, खेती और पशुपालन से जुड़ी अनेक योजनाओं के लिए पैकेज दिया गया है।